अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ खान आगा और आज आ गया हूँ मैं कपड़े धोने के लिए। तो चलें मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूँ जापान में कपड़े कैसे कॉइन लॉन्ड्री में धोए जाते हैं। तो आइए मेरे साथ। अच्छा, यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की मशीन्स हैं। ये जो पहली मशीन है, ये आप शूज़ यहाँ पे धो सकते हैं। स्नीकर लॉन्ड्री आप देख रहे हैं, इस पे लिखा हुआ है। तो इस पे पहले आप इसको नीचे मशीन में डाल के धोएंगे, फिर उसके बाद ये ऊपर ड्रायर है, इधर आप ये लटका देंगे इसको अंदर खोल के और आपके शूज़ ड्राई हो जाएंगे। उसके बाद ये है मेरे पास, क्योंकि अभी पैसे चेंज नहीं है तो मुझे चेंज चाहिए होगी, कॉइन्स चाहिए होंगे। ये मेरे कोइंस हैं, अब मैं इनके साथ अपने कपड़े जो हैं वो धोऊंगा। ये है जी नेक्स्ट स्टेप कपड़े धोने के लिए। इसमें आपके पास तीन कोर्सेज हैं, वॉश ड्राई, वॉश और ड्राई। मुझे वॉश ड्राई दोनों चाहिए, तो मुझे इसके लिए चाहिए होंगे 900 यन। तो मैं इसमें 900 यन डालूंगा और मेरे कपड़े धुलने हो शुरू हो जाएंगे। लेकिन अभी मशीन पहले भी किसी ने यूज़ की होगी, तो मैं ये करूंगा कि मैं इसको बंद करके इसी तरह इसको खाली को बंद करके और ये चला दूंगा। इस बटन को दबाने से ये होगा कि ये मशीन जो है वो सफाई करेगी खुद की, और जो भी इसमें पहले से मौजूद जो भी कुछ डर्ट होगी या कुछ भी होगा वो इसका क्लियर हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। देखिए, जैसे कि पानी आपको नज़र आ रहा होगा, ये इसकी सफाई हो रही है। ये 2 मिनट लेगी मशीन इसमें पूरी तरह से कंप्लीट इसको साफ़ होने में। ये जो मशीन हैं ये सिर्फ वॉश करती हैं, इसमें आपको ड्राई का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वॉश करेगी। और ये जो है वॉशिंग की जो क्लीनिंग है वॉशिंग मशीन की, वो ख़त्म हो गई है। अब ये रेडी टू यूज़ है, तो मैं इसमें अब अपने कपड़े डाल, अब मैं इसके अंदर ये कपड़े डाल। अब ये कपड़े धुलने स्टार्ट हो गए, वॉशिंग मशीन घूमना शुरू हो गई है। और अच्छा, जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ये सिर्फ वॉशिंग मशीन है, और उस तरफ अगर आप देखें तो वो सिर्फ ड्रायर है। तो वो ड्रायर और ये मिक्सअप है, वॉशिंग मशीन भी है, ड्रायर भी है, और सिर्फ वॉश भी कर सकते हैं। यानी इसमें आपको तीनों ऑप्शंस हैं। ये जो है इसमें सिर्फ वॉश का है, और उस तरफ जो है वो सिर्फ ड्राई का है। तो अब मेरे कपड़े धुलने स्टार्ट हो गए हैं, इसको लगेगा 1 घंटा। तो 1 घंटे के दरमियान मैं जाऊंगा नाश्ता करने, और नाश्ता करके वापस आऊंगा तो मेरे कपड़े धुल चुके होंगे, तो मैं इनको ले कर अपने घर चला जाऊँगा। तो बाकी फिर मैं आपको दिखाता हूँ वापसी पर कि कैसे इससे कपड़े निकाले जाएंगे और किस तरह से इसको बाकी का जो प्रोसीजर होगा कंप्लीट किस तरह से होगा। तो मेरे साथ रहिए, टाटा। आज नाश्ते में क्या होगा, चलें ये भी आपको साथ दिखाई देता हूँ। थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन चलें कोई बात नहीं। ये मैं टर्किश रेस्टोरेंट पे आया हूँ,
यहाँ पे आज मेरा प्लान है ब्रेकफास्ट का, तो चलते हैं देखते हैं अंदर क्या क्या मिलेगा खाने में। ये जी यहाँ पे ओटोमान किचन यानी के उस्मान किचन, सबसे पहले ये पानी की बोतल मिली है। पानी के बाद आया जी ये कहवा, गरम गरम कहवा, देख रहे होंगे आप इसमें से धुएं निकल रहे हैं। और उसके बाद ये आई है जी ब्रेड, तो ये हो गया जी कंप्लीट कोर्स। ब्रेड के ऊपर थोड़ा सा मक्खन लगा के एग के अंदर डुबकी लगा के बहुत मजेदार। आई होप कि आप लोग भी खा सकते हैं, जापान आते और खाते आपको भी मजा आता। एक घंटे का टाइम था लेकिन 3 घंटे हो गए और कपड़े मेरे लोग इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि मुझे 1 घंटे बाहर आना है। 1 घंटे की बजाय मुझे 3 घंटे हो गए, तो कपड़े देखते हैं मेरे घर वालों के लिए क्योंकि यहाँ पर कोई देखने वाला नहीं, कोई भी इंसान यहाँ नहीं है जो इनकी रखवाली कर रहा है, लेकिन कपड़े मौजूद है। और ये हुई हमारी आज की क्लीनिंग मुकम्मल, लॉन्ड्री कंप्लीट हुई और अब चलते हैं वापस। और नेक्स्ट व्लॉग में हम इंशाल्लाह आपको कुछ नई चीज़ दिखाऊंगा, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।